होती हैं इस टाइम पे। जी, वो तो दिख रहा है मुझे। एग्जाम में यही आएगा ना सारा कुछ, या कुछ और आएगा? एग्जाम में एक आएगा चैप्टर, ये ट्रिग्नोमेट्री आदि आएगी। आधी आएगी, तो फिर पढ़ाई बंद कर दो, क्लास से गायब हो जाओ। कम से कम मुझे ये रहे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बेटे तो पूरे साल चलना है, पूरे साल यही होना है कि भाई हम स्कूल में कुछ और आएगा, ट्यूशन में कुछ और कर रहे होंगे, आगे या पीछे, मैं आगे आऊंगा या वो पीछे होंगे, या वो आगे होंगे मैं थोड़ा सा पीछे होऊंगा, तो दोनों में आपको रखना है, वरना फिर एक जरूर छूटेगा। आप खुद सोचो मैं कितने क्वेश्चंस कराता हूँ। मेरे ख्याल से पिछली क्लास में 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, तो अगर हम 4-5 क्वेश्चन को सेव करके पढ़ के नहीं रख सकते, तो फिर तो हमारा नुकसान हो रहा है ना बेटे। अब आप अगर 1 घंटा मेरे साथ क्लास में हो तो ये भी लॉस है आपका, इससे अच्छा स्कूल का पढ़िए बैठ के। तो ये एक्सक्यूज से काम नहीं चलने का बच्चे। सब बच्चों मैंने देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई टेन थीटा जो होता है, ट्वाइस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये हमारे पास है, जब भी हमें कहीं से भी हाफ एंगल की बात होगी तो हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूले ढूंढेंगे। तो अब हमें टेन की बात कर रहा है, तो टेन में थीटा बाई टू कहाँ आता है? यहाँ आता है। अब आप खुद सोचो, आपको चाहिए 10π/8, तो पाई बाई एट तो हम पहली बार देख रहे हैं, तो पाई बाई एट होता क्या है? बेसिकली π/4/2 होता है। π/4 पता है आपको कि भाई 45 होता है, तो 45/2 की बात हो रही है, 22.5 की बात हो रही है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। तो अगर मैं आप सब बच्चों से ये कहूं, ध्यान से सुन लीजिए, यहां से अगर मैं लिखूं आपको समझाने के लिए कि थीटा हमारा 45 है, तो थीटा बाई टू हमारा 45/2 हो जाएगा। अगर मैं रेडियन में आपसे कहूं कि थीटा अगर मेरा π/4 है, तो थीटा बाई टू मेरा π/8 हो जाएगा। जैसे चाहे आप इसको कंसीडर कर लीजिए। अब सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है कि भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan²θ/2। आप चाहे तो आप थीटा को 45 समझिए, तो थीटा बाई टू 45/2 हो जाएगा, या थीटा को आप π/4 समझिए, तो थीटा बाई टू π/8 हो जाएगा। रेडियन में दिया हुआ है तो मैं आपके लिए π/4 π/8 ही लिख रहा हूं। तो ये हमारा आ जाएगा 10π/4, और ये आ जाएगा 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan²π/8। ये हमारे पास आ जाएगा। अब प्लीज ध्यान से देखिए, 10π/4 क्या होता है, 10 45 क्या होता है? वन होता है, ठीक है, वन होता है। अब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में 10π/8 रह गया। आप लिखने को तो 10π/8 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको x मान ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन थोड़ा इजी लगेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अगर हमारे पास ये आएगा तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो सर अंदर इसको सबको राइट साइड ले जाओ, x² + 2x - 1 = 0। यस और नो? यस सर। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स तो इसके होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल दें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर आएगा -b + √(b²) - 4ac/2a। यस और नो? सब बच्चे बताओ। यस सर। तो आपके पास क्या आ गया सर? -2 + -4 - - +, तो 4 + 4 = 8/2। अगर 8 को आप 4 × 2 = 8 लिखेंगे, तो ये 2√2 आएगा, -2 + -2√2/2। अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 + √2 + -√2। सब बच्चे बताइए, यही आएगी ना? यस सर।
यस सर यस सर एक्स आपने किसको माना था? एक्स आपने किसको? टेन पाई बाई एट। तो टेन पाई बाई एट की दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू कौन सी? माइनस वन प्लस रूट टू एंड माइनस वन माइनस रूट टू। सर समझ में आ गया नहीं आया? यस सर यस सर। अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अब आप मुझे बताइए टेन पाई बाई एट क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इन फर्स्ट टेन पाई बाई एट इज पॉजिटिव, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास आएगा टेन पाई बाई एट इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट टू, या फिर सीधा सीधा सा रूट टू माइनस वन। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसमें क्या मुश्किल थी मुझे आप जरा ये बताएंगे? इस क्वेश्चन में था क्या? उस दिन आपसे कहा था सिर्फ फॉर्मूले में रख दीजिए तो आंसर आ जाए, तो प्लीज सॉल्व कर लिया करो। सर एक क्वेश्चन है सर।